ये 40 mm का ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें हम 13 mm, 20 mm, 25 mm, 40 और 50 mm तक के सब ऑटोमाइज कस्टमाइज मशीन बनाते हैं। ये ऑटो अप डाउन मशीन है। ये ड्रिलिंग ऑपरेशन मास प्रोडक्शन में यूज़ होता है। इसमें इस तरह के जॉब जो रेगुलर रहते हैं वो कंटिन्यू यूज़ करना है तो ये मशीन सूटेबल रहता है। ये पूरा पैनल ऑपरेटेड मशीन है। इसमें स्टेपर मोटर गियर बॉक्स दिया हुआ है अप डाउन के लिए। इसका वर्किंग देखते हैं। यहाँ पे हमने पहले MCB दिया है ऑन ऑफ का, बाद में स्टार्ट स्टॉप के बटन है, स्टार्ट बटन ऑपरेशन चालू के लिए और स्टॉप बंद करने के लिए, और स्टेपर अप और स्टेपर डाउन वो है जो टूल पहली बार जब हम जॉब लगाते हैं तो उसको सेट करने के लिए यहाँ पे अप डाउन का मोशन के लिए यह पे दिया है। अभी हम एक्चुअली ये जॉब है वो सेट कर रहे हैं, तो जितनी बार हम अप प्रेस करते रहेंगे, डाउन प्रेस करते रहेंगे, उस हिसाब से पूरा ये वर्किंग होगा। ये पहली बार हमें जॉब सेट करना है, उसके बाद तो ऑटोमेटिक मोड में मशीन अपने आप ही वो उस पोजीशन पे सेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमने सेट किया है, ये 36 mm है, वहाँ तक हमने स्पीड है वो ज़्यादा दिया है, मैक्सिमम दिया है। बाद में जब वर्किंग ड्रिलिंग का चालू होगा जॉब में, वहाँ पे हमने स्लो स्पीड कर दिया है जो 120 तक स्लो स्पीड चलेगा। बाद में जो वर्किंग हो जाएगा पूरा ड्रिलिंग का, उसके बाद 140 mm से लेके रिटर्न होगा वो फिर वापस हमने हाई स्पीड किया है ताकि टाइम बच जाए। जितनी देर हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन रहेगा उतनी देर टूल है वो स्लोली नीचे आएगा, ये उस हिसाब से हमने सेट किया हुआ है। ये अभी इसको स्टार्ट करके देखते हैं, अभी इसका लाइव वर्किंग देखते हैं। अभी ये ऑटो पोजीशन में किया है। यहाँ पे जो 35 का डेप्थ सेट किया है तब तक स्पीड में जाएगा, बाद में अभी 35 पहुँचने के बाद अभी स्लो स्पीड पे जा रहा है। यहाँ पे हमें ड्रिल डेप्थ दिखा रहा है कहाँ तक पहुँचा है। ड्रिल पोजीशन में आपको डेप्थ मिलेगा कहाँ तक अभी वर्किंग हुआ है। बाद में जो हमने डिसाइड किया है वहां से ऑटो अप हो जाएगा वापस। यहाँ पे हमने ये दो ऑप्शन दिए हैं, एक सिंगल है और एक ये कंटिन्यूअस रहेगा। अगर आपका मास प्रोडक्शन का काम है तो कंटिन्यूअस सेट करते हो, यहाँ पे आप अपना सेकंड डाल देते हो कि 20 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, जितना जॉब का सेटिंग का टाइम लगता है, तो आपको बार बार यहाँ से ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे अगर सिंगल किया है तो एक बार आपका जॉब हो जाएगा तो अपने आप यहाँ से मशीन है वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन आपका अगर प्रोडक्शन है, यहाँ पे आपने फिक्सर लगाया हुआ है, तो आपको सिर्फ जॉब लेके रखना ही होता है, और यहाँ पे आप अपना सेकंड सेट कर सकते हो, तो उस सेकंड में अपने आप बंद हो जाएगा और 10-15 जितना सेकंड आपने सेट किया है उस हिसाब से ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। तो बार बार आपको ऑन ऑफ करने के लिए पैनल के पास नहीं जाना पड़ेगा। एक बार आपने जो सेट कर दिया प्रोडक्शन लाइन, तो उसके बाद ये पूरा इजीली काम करेगा। जितना टाइम आपको जॉब चेंजिंग में लगता है उससे 4-5 सेकंड और एक्स्ट्रा रख के आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, तो बार बार ऑन ऑफ का बटन वो सब जरूरत नहीं है। लेकिन ये मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, सिंगल पीस के लिए आपको सिंगल ऑपरेशन में ही चलना होता है।